टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप्स, व्हाट इज योर आइडियल वुमन? आप क्या ढूंढ रहे हैं? आपको किस तरीके की लड़की चाहिए? किस तरीके की लड़की चाहिए? तरीके की तो बहुत गहरी बात characteristics. मुझे लगता है यही जो मैंने अभी लव और रेजोनेंस की बात करी है, आपके पैशंस मिलने चाहिए. मुझे लगता है एक इंसान को दो ही चीज चाहिए होती है, यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड एंड यू वॉन्ट टू बी अंडरस्टूड. अगर ये दोनों चीजें बरकरार हैं तो कोई भी रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही सालों तक प्यार से भरा हुआ हो सकता है. अच्छा, एंड हैविंग सेड दैट, बीइंग द मूवी स्टार दैट यू आर, यू हैव बीन लिंक्ड अप टू मेनी वुमेन, एंड नाउ आर यू इन अ रिलेशनशिप राइट नाउ? लॉट ऑफ रिपोर्ट्स आल्सो कमिंग. क्या रिएक्शन है? क्या इज दैट अ यस? नहीं, अभी तो नहीं. ओ, यू आर सिंगल? हां बिल्कुल. लाया? अरे मैं बिल्कुल. अच्छा, मेरी शक्ल से देख, मेरी आंखों में देखो. सो ही इज सेइंग अकॉर्डिंग टू हिम ही इज सिंगल, बट मैरिज, व्हाट डू यू थिंक अबाउट मैरिज? मैरिज का भी बहुत प्रेशर है. आई मीन जैसे ही बड़े होने लगते हैं बच्चे हमारे दिल्ली में स्पेशली, मम्मी बाबा चलो भी शादी के बारे में क्या सोचो, इतना तुम्हारी शादी के लिए जोड़ के रखा है. यार मैं क्या 32-33 ईयर्स का हूँ, मुझे कोई नहीं बोलता, तो मुझे लगता है ऐसे इग्नोर कर देना चाहिए. जब तक शादी करने का मन नहीं करे शादी मत करना. But you want to settle down. What do you think about having a family and marriage? Yeah, that's a very, very important part of life, I guess. एक group dynamics जो होता है, जो अपने लोगों का होता है, वो तो अलग ही होता है, irreplaceable है. तो वो experience I think mostly सबको लेना चाहिए. अच्छा, we were just talking to Yuzvendra Chahal about how India performed in the World Cup, and obviously he played MS Dhoni. He just became Dhoni on the big screen. What do you think about Dhoni's performance? It was criticized also a lot in the World Cup. Yeah, a lot spoken about. मैं फिल्म करने से पहले भी बहुत ही बड़ा फैन हूँ, और जब फैन की तरह से देखते हैं ना तो जज नहीं कर सकते. तो मुझे तो आज तक उनसे अच्छा विकेट कीपर और बैट्समैन नहीं लगता कोई. नहीं, लेकिन अब टाइम आ गया है. But is it now time finally to hang up the boots for him? जिस तरीके से वो सोचते हैं, वो बहुत ही, हम किताबों में पढ़ते हैं कि जब हम लीडरशिप वाले किताब पढ़ते हैं तो जो सारे क्वालिटीज आते हैं वो सब भर के उनके अंदर है. तो जब वैसा इंसान इतने साल तक इंडिया को सर्व कर चुका है, तो मुझे लगता है ये डिसीजन भी कि उनको कब जाना चाहिए, कब कब तक खेलते रहना चाहिए, उनसे अच्छा कोई डिसाइड नहीं कर सकता कि कब तक खेल रहे. Final question on cricket. Now we just spoke about this, that's why I'm bringing it up. T20 World Cup. I am always ready to watch the India versus Pakistan matches. Abhi bhi amazing match hua hai. What do you think about the India-Pakistan T20 game now? मेरा ये जो नए साल के कैलेंडर आता है ना, उसमें सब पहले स्कूल से मेरी आदत है, सारे छुट्टियों के दिन मैं याद कर लेता था कि इस दिन की छुट्टी है. मैं इंडिया के मैचेस भी निकालता हूँ, और खासकर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के, उसके एक दिन पहले से मैं कुछ नहीं कर रहा होता हूँ. सो या ऑफ कोर्स T20, और हम जीतेंगे. मुझे हमेशा से लगता है आज तक जीतते हैं तो इस बार क्यों हारेंगे. द कप इज कमिंग बैक होम गाइस, दैट्स फॉर श्योर.